साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। साथियों आज अपन नए टॉपिक पे बात करेंगे, यूरोप कंट्री से रिलेटेड। मैंने दो चार वीडियो पहले भी डाले थे, आज अपन बात कर रहे हैं माल्टा जो कंट्री के बारे में। जी हाँ, बहुत सारे लोगों की इंक्वायरीज आती हैं कि सर मैंने 7-8 कंट्रियों के लगभग नाम लिख रखे हैं जिसमें इतने ज़्यादा कमेंट काफ़ी टाइम से आ रहे थे, सर इस पर हमें इंक्वायरी चाहिए। तो भाई मैं वीडियो के माध्यम से इंक्वायरी देने की कोशिश करूंगा, पार्ट में दो बनाता हूँ, एक कंट्री का दो पार्ट। फर्स्ट में आप कंपनी कंट्री कैसी है, किस तरह से आपको वीजा वगैरह अप्लाई करना होता है, क्या प्रोसेस होता है। सेकंड में जॉब और सैलरीज वगैरह होती है। तो आज अपन बात करेंगे कंट्री के बारे में, माल्टा कंट्री कैसी है, वहां पे किस तरह से आप जा सकते हैं, वीजा अप्लाई आप किस तरह से कर सकते हैं। तो मैं बता दूं साथियों कि माल्टा एक छोटी सी यूरोप की कंट्री है, माल्टा टूरिस्ट कंट्री, इतनी शानदार जिसमें हर कंट्रियों के लोग माल्टा जाना चाहते हैं। ये एक तरह से टूरिज्म कंट्री इसको मान सकते हैं, जो सेनेगन जो कंट्रियां हैं यूरोप की उसमें ये शामिल है, सेनेगन जो कंट्री है उसमें इसका भाग, ये एक भाग है उसका। ठीक है साथियों, तो आज अपन बात करेंगे, अगर अब जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि माल्टा में करेंसी कौन सी चलती है। तो सेनेगन जितनी भी कंट्री है वहाँ पे यूरो चलती है, यूरो का भाव 78 के करीब, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ऊपर ही होता है, कभी नीचे होता है, 78-79 ये भाव यूरो का चलता है। एक यूरो का इंडियन रुपीज 78 रुपीज बनता है, ये बात हमेशा नोट रखें। अब वीजा की बात कर ले साथियों, तो माल्टा में सबसे ज्यादा टूरिस्ट वीजा चलते हैं, सबसे ज्यादा टूरिस्ट वीजा जाते हैं, उसके बाद स्टूडेंट वीजा माल्टा से रिलेटेड बहुत ज्यादा अप्लाई होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। वर्क परमिट वीजा भी माल्टा के अप्लाई होते हैं, बिजनेस वीजा भी होते हैं, 3-4 कैटेगरियों के मैंने आपको वीजा बताए हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगते हैं ये वीजा लेने के लिए, तो आज अपन बात करेंगे। अगर आप टूरिस्ट वीजा में जा रहे हैं, क्योंकि माल्टा के वर्क परमिट वीजा में, ये यूरोप कंट्री है ना, लगभग विजिट वीजा ही लोग जाके वहां परमिट कन्वर्ट करवाते हैं, इन कंट्रियों ने ये सुविधा दे भी रखी है, लेकिन इसके लिए आपको एलिजिबल आप होने चाहिए, आपकी योग्यता होनी चाहिए, इसके लिए जरूरी है, हर आदमी को वीजा नहीं मिलता। लेकिन सिस्टम होता क्या है कि यूरोप कंट्री के नाम से अनपढ़ लोग सबसे ज्यादा ठगे जाते हैं, क्योंकि उनको कंट्री का नाम पता है कि हाँ ये कंट्री वहां पे बहुत पैसा है, लेकिन उनको ये नहीं पता वीजा किस तरह से लेते हैं, अपने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अपना पैसा कितना लगेगा, इसी नाम से लोग ठगे जाते हैं। तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो लीगल डॉक्यूमेंट में बात करें, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, 6 मंथ वैलिड आपका पासपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, अगर पासपोर्ट में ट्रेवल हिस्ट्री है तो बहुत अच्छी बात है, जिसमें 2-4 कंट्रियों के पहले से आप जा चुके हो तो आपको वीजा मिलने में आसानी होती है। आपकी बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की, कम से कम 3 से 6 महीने की होनी जरूरी है, जिसमें स्टाम्प बैंक की न्यू स्टाम्प होनी जरूरी है, पुरानी वाली नहीं मानते। ठीक है, आगे बात करते हैं कवरिंग लेटर, जहां कंपनी में काम करते हैं उसका अगर आपके पास कवरिंग लेटर है तो ये वीजा मिलने में सहायक होते हैं। एनओसी कंपनी की होनी चाहिए, अगर आप मान लीजिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो कंपनी का एनओसी होना चाहिए कि नो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये बंदा अगर जा रहा है तो, ये कंपनियों के डॉक्यूमेंट लगाते हो तो आपको फायदा मिलता है। आपका प्रोफेशन क्या है, आप यहाँ क्या काम करते हैं, वो आप साथ में अटैच करिए, ताकि माल्टा इमिग्रेशन को लगे कि ये बंदा रियल में घूमने जा रहा है, वरना वीजा इतना आसान नहीं है भाई यूरोप कंट्रियों का मिलना, सबको पता है। वीडियो बनाने के बोलने में और रियल सिस्टम को देखने में रात और दिन का फर्क होता है। ठीक है, एनओसी आप साथ में लगाइए, आपका टैक्स फाइल, अगर आप टैक्स इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं तो टैक्स फाइल आपके पास होना है, तो इसमें साथ में अटैच कीजिए। आपका प्रोफेशन अटैच कीजिए, आप किस फील्ड में है, उसके डॉक्यूमेंट डिग्री वगैरह आपके पास है तो वो साथ में अटैच कीजिए, फोटो 80% फेस वाली, ये डॉक्यूमेंट 6-7 डॉक्यूमेंट लगा के कंप्लीट फाइल बना के आप माल्टा इमिग्रेशन में अप्लाई करते हैं तो मेरे हिसाब से आपका वीजा मिलने के 99% चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इसमें फायदा आपको क्या होता है, अगर आप माल्टा जॉब से रिलेटेड जाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको इसमें बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि 90 डेज का आपको वीजा मिलता है, 90 दिनों का वीजा बहुत, तो 90 दिन भाई कम नहीं होते, बहुत होते हैं। 90 दिन में तो आप जितना मर्जी सर्च कर लो, सब कुछ देख लो वहां पे, जॉब के बारे में, वीजा के बारे में, क्या कैसे होता है, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग ऐसे ही जाते हैं। ठीक है, तो आप खुद सर्च कर सकते हैं, 90 दिन का वीजा लेके आप जा सकते हैं।